इनकम स्टेटमेंट इज मच इजियर टू लुक एट. वी हैव रेवेन्यू, रेवेन्यू में से लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट में से वी यूज अ वर्ड एस जी ए, क्या? सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, वो लेस किए, सॉरी एस जी ए यहां से लेस किए तो ये आ गया एबिडा. क्या आ गया? एबिडा. दिस इज हाउ इट इज रिटन एंड स्पोकन. एबिडा फुल फॉर्म समझ में आ रहा होगा. स्टार्ट करते हैं. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन तो भाई भाई ना, दोनों तो राइट ऑफ ही है. डेप्रिसिएशन टैंजिबल का, एमोर्टाइजेशन क्या? इनटैंजिबल का. बट दिस वर्ड इज वेरी पॉपुलर. एबिडा, क्या? एबिडा, ठीक है. अभी जो वॉलमार्ट ने एक्वायर किया फ्लिपकार्ट का स्टेक, ठीक है, तो इन दैट केस इफ यू रीड द न्यूज प्रॉपरली दे विल से दैट द वैल्यूएशन टुक प्लेस एट इतना टाइम्स एबिडा. द वैल्यूएशन वॉज एट सो मेनी टाइम्स एबिडा, से 15 टाइम्स एबिडा. मैंने उस कंपनी का जो एबिडा है उससे 15 गुना वॉलमार्ट ने वैल्यू किया कंपनी को, जो कमा रहा है उसका 15 टाइम्स. तो एबिडा इज अ वेरी पॉपुलर टर्म यूज्ड, ओके, बिकॉज कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, ओके, दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग. फ्लिपकार्ट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी. इट मेक्स लॉसेस, लॉस पे लॉस है फ्लिपकार्ट का. बट डू यू बाय समथिंग फॉर द पास्ट और फॉर द फ्यूचर? फ्यूचर. तो फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल है जहां पे लॉसेस शुरू में होना ही था. इट हैड टू हैड लॉस. बट अगर दिख रहा है कि सच अ बिग ऑडियंस इन इंडिया विच आर नाउ गेटिंग द डिजिटल कल्ट एंड बाइंग मोर एंड मोर थिंग्स ऑनलाइन एंड दैट रिसेप्टिविटी इज कमिंग, तो इन दैट केस फ्यूचर में दिखता है देयर इज अ स्कोप टू अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर फ्यूचर ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पुट अ लॉट ऑफ मनी टू इट. तो फ्लिपकार्ट लॉस मेकिंग है, उसका एबिडा पॉजिटिव है पर उसका प्रॉफिट नेगेटिव है, क्योंकि एबिडा से तो अभी क्या क्या लेस होना है? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन लेस होगा. लेस होने के बाद क्या बचेगा? सुनाई नहीं दिया? ईबीआईटी. डीए हट गया ना. ईबीआईटी इज वॉट? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. फिर क्या लेस होगा? इंटरेस्ट. क्या बचेगा? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. फिर क्या लेस होगा? टैक्स. तो क्या बचेगा? पीएटी, विच इज कॉल्ड नेट इनकम. व्हाट इनकम? नेट इनकम. ओके, नेट इनकम. पैट में से डिविडेंड लेस, तो क्या बचेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स. क्या बचेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, फिर से याद करें क्या था. रेवेन्यू, रेवेन्यू में से क्या लेस? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, व्हाट डू यू गेट? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट. सबका किया हुआ है. ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या वर्ड था? वो एसजीए. एसजीए लेस, तो क्या आएगा? एबिडा. एबिडा में से डी और ए लेस, तो क्या आएगा? ईबीआईटी. ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस, पीबीटी. पीबीटी में से टैक्स लेस, पैट, विच इज कॉल्ड नेट इनकम. नेट इनकम में से डिविडेंड लेस, रिटेन्ड अर्निंग. इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट है, इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट है, इट इज नॉट सस्टेनेबल प्रॉफिट. इट इज नॉट सस्टेनेबल प्रॉफिट बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जो कि केवल इस साल हुए हैं, विच आर वन ऑफ, विच में नॉट रेकर इन फ्यूचर. तो इनकम स्टेटमेंट से अपने जब फोरकास्ट करेंगे ना फॉर वैल्यूइंग शेयर्स, वी हैव टू फोरकास्ट द फ्यूचर इनकम. वी विल रिमूव द डर्टीनेस फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चर अ सस्टेनेबल प्रॉफिट एंड वैल्यू द स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ठीक है, तो जैसे बैलेंस शीट का अकाउंट्स क्या बोलते हैं, उसका पर्पस है टू शो द फाइनेंशियल पोजिशन. तो वी से दैट साइड डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजिशन, इट शोज रिस्क. इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट्स क्या बोलते हैं, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू शो वॉट? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. फाइनेंशियल performance, it does not show the performance because there are very one-off items which are there in the PL account. Okay? It gives an idea. Is it possible or not that a highly profitable firm is facing liquidity crunch? A highly profitable firm is facing liquidity crunch, not able to pay its liabilities. Yes? Because the PL account is prepared on what basis? Cash or accrual? Accrual. Accrual basis pe accounts hote na. Revenue or sales is shown in the PL when it is received or when it is earned.
revenue, sales is shown in the PL account by sales. When it is received or when it is earned. Earned. Received से मतलब नहीं है. अगर मैंने आपको एक माल बेचा, डिलीवरी कर दिया, आप मेरे को पैसा देने वाले हो, यू हैव नॉट गिवन मी, आई कैन बुक रेवेन्यू. ठीक है, आई कैन बुक रेवेन्यू. अगर ऐसा हुआ कि मैंने आपको माल बेचा ही नहीं, अभी डिलीवर नहीं किया, कैश मिल गया एडवांस में, कैन आई बुक रेवेन्यू? नो, द अर्निंग प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट. आई हैव नॉट डन वॉट ऑट टू हैव बीन डन टू अर्न द रेवेन्यू. बेस्ट एग्जाम्पल मेरा, आई हैव टेकन योर फीस, हैव आई टॉट यू ऑल? नो, मैं तो पढ़ाया नहीं ना अभी, तो आई कैन नॉट बुक रेवेन्यू अनलेस एंड अंटिल आई डिलीवर द सर्विस ना. दैट्स अक्रूअल बेसिस. कि पैसा आया कब आया उससे मतलब नहीं है. पैसा हो सकता है नहीं आया, पैसा हो सकता है बाद में आया. सर्विस जब रेंडर हो गया, अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो रेवेन्यू क्या होगा? रिकग्नाइज. उसके ऊपर लंबा चौड़ा डिस्कशन है CFL 1 में, रेवेन्यू रिकग्निशन. ठीक है, इट्स अ बिग 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 टॉपिक. बिकॉज द PL अकाउंट स्टार्ट्स विथ व्हाट? रेवेन्यू. रेवेन्यू को अगर मैनिपुलेट करेंगे ना, पूरा इनकम स्टेटमेंट हिल जाएगा. तो रेवेन्यू रिकग्निशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करेंगे, इन विच ईयर विल रिकग्नाइज द रेवेन्यू, इट विल हैव अ मेजर इंपैक्ट. ठीक है, एक्सपेंस रिकग्निशन. क्या बोला? एक्सपेंस इज रिकग्नाइज्ड नॉट नेसेसरली व्हेन मनी इज पेड, बट व्हेन इट इज इनकर्ड. व्हेन इट इज इनकर्ड, इनकर्ड इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड. इनकर्ड मतलब मैचिंग प्रिंसिपल. व्हाट प्रिंसिपल? आज किए थे कि सर जो आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया इस साल का, ओ ये रेवेन्यू है, उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है वो सारा का सारा इसी साल आपको बुक करना पड़ेगा. ठीक है सर, आपका लग गया क्या, पहले लग गया क्या, बाद में लगेगा क्या, हमको कोई मतलब नहीं है. यू हैव रिकग्नाइज द रेवेन्यू, यू हैव टू बुक द एक्सपेंस रिलेटेड टू दैट रेवेन्यू इन दिस ईयर. दैट्स कॉल्ड एक्सपेंस रिकग्निशन. COGS कैसे आएगा, डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, ठीक है, SGA कैसे आएगा, उन सब का रिकग्निशन.